पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीते दिनों आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बम गिराकर सीआरपीएफ के 44 जवानों को शहीद कर दिया था। उसी के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत के वीर जवानों ने वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान पर हमला करके लगभग 300 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो वहीं कुछ राजनीतिक दल सेना पर शक करते हुए उसके सबूत मांगे जा रहे थे, जो कि देश विरोधी की श्रेणी में आते हैं। इसी कड़ी में फ्रीडम फाइटर द्वारा कलेक्टर पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा और मांग की ऐसे देश विरोधी के खिलाफ जल्द मुकदमा करके जेल भेजने चाहिए, क्योंकि बीते दिनों भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कांग्रेस की रैली में बोलते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान का भी नेता चुनाव लड़ेगा तो हमारी पार्टी उसको भी समर्थन करके चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी। इसी समस्या को लेकर फ्रीडम फाइटर द्वारा ये मांग की जा रही है कि दोनों गुटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इस दौरान फिरोज खान, अरविंद मिश्रा सभी फ्रीडम फाइटर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। खुद देशद्रोह करते हैं और हम लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक संदेश पहुंचाना कि अगर सेना कुछ करना चाहती है तो उनका प्लीज उन लोगों को हाथ पर इल्जाम मत दो, उनकी बदौलत आज सुख शांति होते हैं। केशव देव वो भी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक हफ्ता पहले अपने पाकिस्तान प्रत्याशी को भी हम यहाँ पर लड़ाएंगे। तो मैं उन देशद्रोही से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ क्या साठगांठ आपकी पहले से तय थी क्या? एसएसपी साहब से हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में हमने एसएसपी साहब से मांग की है कि मान दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके ऊपर आप एफआईआर करें और मुकदमा कायम करें। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबूत मांग रहे हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि मोदी जी आप एक काम ये करें कि जो जो सबूत मांगने वाले हैं इनको बॉर्डर पर ले जाएं और जो जो हेलीकॉप्टर जाए या जहाज जाए या टैंक पे है इनको बैठाया जाए और जब गोला छोड़ा जाए तो इस गोले के साथ भी इनको हमें जाए, ताकि ये और डेड बॉडी को गिन सकें और सेना पे आँच ना आए। ये देशद्रोही खुद हैं और दूसरे पर शक करते हैं। जय हिंद।